ओके दोस्तों, बहुत लंबे समय के बाद मैं मेकअप वीडियो बनाने वाली हूँ एंड मैं शेयर करूँगी आपके साथ कि आजकल मैं मेरा मेकअप कैसे करती हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आजकल लिप शेड्स पहनना। पहले मैं लिप शेड्स नहीं पहनती थी, अब फाउंडेशन लिया है मैंने थोड़ा, ये मोक गया है एंड ये मेरी नई बॉटल है वेट एंड वाइल्ड का। ये जो फाउंडेशन है ये आपकी स्किन के लिए अच्छा है, ये आपकी स्किन को ब्रेकआउट नहीं करता है, सो पिंपल्स नहीं होंगे आप जब इसे लगाएंगे तो, क्योंकि बहुत सारे जो फाउंडेशन हैं वो आपकी स्किन को ख़राब कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा सस्ता है, मोस्टली मुझे $6-7 में मिल जाता है सुपर स्टोर में। जो शेड मैं यूज़ करती हूँ वो है डेजर्ट बेज एंड ये जो फाउंडेशन है ये फोटो फोकस डुई फाउंडेशन है, सो आपके चेहरे को अच्छा ग्लो देगा एंड फोटोज़ में जो रिफ्लेक्ट करता है चेहरा वो नहीं होगा। सो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है फॉर सम रीजंस। कौन से रीज़न? ओके, स्किन को ख़राब नहीं करता पहला रीज़न ये है, दूसरा है कि बहुत अफोर्डेबल है। पर अगर मैं इसे नहीं पहनती हूँ तो मैं नार्स का ये वाटर रेडिएंट नेचुरल रेडिएंट फाउंडेशन पहनती हूँ, पर आज हम इसी को लगाएंगे। मैंने देखा है कि ये जो शेड है ना थोड़ा ऑक्सीडाइज करता है, सो यूजली मैं क्या करती हूँ इसे अपने चेहरे पर लगा के थोड़ी देर के लिए रहने देती हूँ एंड देन ब्लेंड करती हूँ। थोड़ा ऑक्सीडाइज भी हो जाता है एंड इसकी जो कवरिंग पावर है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। पर आज ऐसे नहीं करेंगे, हाथ के पीछे ले लेती हूँ और मेरा स्किन केयर मैंने कर लिया है, नहा लिया है एंड ऑल्सो मैंने सनस्क्रीन भी मैंने लगा लिया है। उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये सुपर ग्रुप का नेचुरल एवरीडे लोशन सनस्क्रीन, क्योंकि मेरे चेहरे पर स्कार्स हैं एंड सनस्क्रीन से मदद होती है कि थोड़े कि गंदे ज़्यादा काले ना हो, दिख रहे होंगे आपको, या पहले से थोड़े बेहतर हैं पर स्टिल हैं अभी भी। ये है स्टोरी अबाउट फाउंडेशन। आपने देखा ये अभी मेरे ऐसे लग रहा है, ये थोड़ी देर में ये थोड़ा डार्क हो जाएगा। एंड मैंने लगा था, मैं ना कुछ दिन पहले आपसे मैंने पूछा था कि चिट चैट और मेकअप वीडियो बनाएंगे एंड आप अगर कुछ पूछना चाहते तो मुझे बताना, हम उस पर बात भी करेंगे। एंड मैंने लगता आपने पूछा होगा एंड मैंने चेता भूल गया, शायद मैंने उसकी फ़ोटोज़ क्लिक की होंगी या सेव किया होगा। मैंने नोटिस किया है जिस दिन मेरे बालों का बहुत अच्छा दिन होता है तो मुझे उससे कोई काम नहीं करना होता, कहीं पे जाना नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ना ही मैं वीडियो बनाती हूँ। पर जिस दिन बाल ख़राब होते हैं, होने की तादाद में है, शुरू हो रहे हैं, तो तब मुझे सारे काम करने होते हैं। सो इस दुख भरी सिचुएशन से की रहने देते हैं गाइस, बेयर विद मी। और मुझे ब्रश ढूंढ के लेके आऊँ, फाउंडेशन लगा के हाथ दे और मुझे बाल कंघी करने एंड वो बाला पे लग जाएगा, ब्रश पे लग जाएगा, हर तरफ लग जाएगा। ऐसे उल्टे पुल्टे काम करने में ना बहुत ज़्यादा आनंद आता है मुझे। ओके दोस्तों, ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है पर मैं ब्रश लेने वाली हूँ एंड देन हम इसे ब्लेंड करेंगे। सो ब्रश के लिए हम यूज़ करेंगे सिमोर का ब्रश। हमारे पास मेकअप ब्रशेज हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। उस पर 25% ऑफ चल रहा है फिलहाल, सिमोर 25 कोड है, उसे यूज़ करें एंड ब्रश खरीद लें। एंड मेरे पास बहुत प्यारी सी ज्वेलरी भी है, उसे भी खरीदें एंड ऑल्सो $60 स्पेंड करेंगे हमारी वेबसाइट पे तो आपकी जो शिपिंग है वो फ्री हो जाएगी और हम वर्ल्ड वाइड शिप करते हैं। बहुत सारे दोस्त पूछते रहते हैं तो ज़रूर से खरीदें। सो इसे मैं ब्रश पे लूँगी ऐसे टैपिंग मोशन में एंड मैं इस एरिया से लगाना शुरू करती हूँ, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेरे ज़्यादा प्रॉब्लम है। पर अगर आपका प्रॉब्लम एरिया ये नहीं है तो आप कहीं से भी लगाना शुरू कर रहे हैं, पर मुझे यहाँ पे ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत होती है एंड डबिंग मोशन में मैं लगाती हूँ। सो ये होने वाला है मेरा रोज का 10 मिनट वाला मेकअप। पर आज मैं लैशेस पहनने वाली हूँ क्योंकि मुझे कहीं पे जाना है, वैसे रेगुलर डेज में मैं लैशेस नहीं पहन रही हूँ, आपने देखा होगा। सो इसी तरह मैं अपनी आईज पे भी ब्लेंड कर देती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि बहुत ज़्यादा कम प्रोडक्ट लूँ मैं। अभी थोड़ा सा वाइट लग रहा है पर ये थोड़ा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, चिंता नहीं करें। क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ टू वर्क ऑन डिप्रेशन। गाइज, जो डिप्रेशन है ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, औखी एंड बहुत ही ज़्यादा स्केरी टर्म है। ऐसे अगर आप सैड फील करते हैं या आपको पैनिक अटैक आते हैं या आप एंग्जाइटी होती है तो उसे डिप्रेशन से कंपेयर मत करें। डिप्रेशन बहुत स्केरी है, उससे निकलना बहुत मुश्किल है। आई होप आपको डिप्रेशन नहीं हो, पर अगर आपको डिप्रेशन है तो आपको एक बार हेल्प लेनी पड़ेगी एक्सपर्ट की ज़रूर से। मैं ना फिटमी का कंसीलर लगाने वाली हूँ, इसका शेड है 25, ये भी ख़त्म हो गया है। बहुत लंबा समय हो गया है कि मैंने मेकअप की शॉपिंग नहीं की है एंड पता नहीं ना फॉर सम रीज़न मुझे ऐसे लगा कि मेरे पास जो कुछ भी है बहुत ज़्यादा है, मुझे इतने की ज़रूरत नहीं है। एंड मीनू ना लाइक बहुत ज़्यादा बोझ फील होना शुरू हो गया गाइस, एंड ना बोझ की यार की करा मैं। फिर मैंने क्या किया, कवड्डा सारा बैग लिया और मोस्टली चीज़ें मैंने छोड़ दी, जड़ी एक्सपायर है या जड़ी अच्छी नहीं है या जो डोनेट नहीं की जा सकती, क्योंकि ओपन चीज़ें आप डोनेट भी नहीं कर सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा बिग पायल मैंने छोड़ दिया, एक वड्डा बिग बैग पर गया सीगा। एंड मैं कोशिश करूँगी, मैंने ना वैसे अपने लिए वीडियो शूट की थी उसकी अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि गुड। एक और चीज़ है
कि जब मेरे पास ऐसे मुझे फील होता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है एंड मैंने इनको रिड ऑफ होना है, तो मैं चीज़ें डोनेट कर देती हूँ या छोड़ देती हूँ। मैंने इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं फील होती है एंड दुख नहीं फील होता कि हाय की करा। और मैंने बहुत सारे लोगों की वैनिटी में या घर में ऐसी चीज़ें देखी हैं जो पहन नहीं पाते हैं, पर फिर भी उसको वो दिल पे रख के बैठे, भावे वो सड़ जाए, ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर किसी को नहीं देंगे। सो अगर गाइज आप ऐसे हैं तो ऐसा मत करें, क्योंकि बहुत लिमिटेड समय के लिए हम लोग हैं धरती पे। सो दे रहे हैं ताकि किसी और की मदद हो जाए, कोई पहन ले। हमारे पास कई बार इतनी सारी चीज़ें होती हैं और दूसरे बंदे के पास कुछ भी नहीं होता, बेसिक भी नेसेसिटी नहीं होती है। जैसे शूज़ मान लो, हमारे पास एक शूज़ तो होंगे नहीं, 5-7 पेयर तो होंगे और उनमें से एक दो आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं या आपने पहने नहीं और देने की कंडीशन में है, तो उनको दे दें, क्योंकि उनके पास बेचारे के कुछ भी नहीं है, एक तो मिल जाएगा उसे, हाँ। सो चीज़ों को इकट्ठा करके मत रखें। पता नहीं कितों स्टोरी शुरू की थी। अच्छा, फिर मैंने ना बहुत सारा मेकअप कर दिया बिन, जिसकी वजह से मेरे पास बहुत अभी भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है मुझे। मैंने लगा मैंने बस 5-7 प्रोडक्ट की ज़रूरत है, इतना मेरे निकले 3-4 महीने। जिस टाइम पे मैंने शूट नहीं किया होगा वो मुझे था, मैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बिल्कुल, मैं ना साधु वाली ज़िंदगी मेरी होनी चाहिए। तो ऐसे ही रही मैं बहुत लंबा समा, पर अब मुझे दोबारा से यू नो क्रिएटिव फील कर रही हूँ मैं। और मेकअप क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने का एक बहुत ही प्यारा सा तरीका है। सो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ों की ज़रूरत है तभी सब कुछ अच्छा होगा। आप क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए बेसिक चीज़ें भी खरीद सकते हैं। मिलानी का लुमिनोसो ब्लश लगाऊंगी मैं, तीसरी अभी है ये मेरी। अच्छा, ये मैंने खरीदी थी क्योंकि मैंने पूरा फिनिश किया है ये। अर्लियर मैं बिल्कुल ब्लश नहीं लगाती थी, पर इसके बाद ना मुझे मेरे चेहरे पे ब्लश अच्छा लगना शुरू हो गया। सो ऐसे एक ब्रश पे लूँगी मैं, और जब मैंने मेरे फाउंडेशन को सेट नहीं किया है उसी गिल्ली में, मतलब इतना गिल्ला नहीं है, ये काफ़ी अच्छी फिनिश है, उसमें मैं ब्लश लगा लूँगी ताकि मैं बहुत ज़्यादा खिल जाऊँ, और उसके बाद हम बाकी काम करेंगे। सो अब मैं लेने वाली हूँ एक बहुत प्यारा सा फ्लफी ब्रश, एंड जो ब्राउनजर मैं मेरे फेस को थोड़ा सा शेप देने के लिए यूज़ करती हूँ उसी से मैं मेरा आई मेकअप करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कम से कम प्रोडक्ट यूज़ करें। बहुत सारी पैलेट्स हैं मेरे पास एंड मैंने कुछ ना लास्ट ईयर खरीदी थी, अभी मैंने ओपन भी नहीं की है। सो एकदम मैं सोच रहा कि मेरे पास आई शेडो नहीं है। सो फ्लफी सा ब्रश एंड ये ब्राउनजर, एरा पैन भी हिट हो रहा है। ये ब्राउनजर कौन सा है? लॉरियल का है, इनफेलेबल 24 आवर फ्रेश वेयर ब्राउनजर, एंड इसके शेड का नाम है टैन। ब्रश पे लेके यहाँ पे पहले मैं सारा प्रोडक्ट डिपॉजिट कर दूंगी एंड दूसरी तरफ भी कर देते हैं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लग गया मेरे से, एंड देन मैं इसे क्रीज में ब्लेंड कर दूंगी बहुत ही प्यारे से नेचुरल शेड की तरह, एंड थोड़ा सा आउटसाइड ड्रैग कर देंगे ताकि मेरी आँखें थोड़ी लिफ्टेड लगे। देखा, थोड़ा सा शेड आ गया पर बहुत ज़्यादा भी नहीं है। सो अन्ना की चाहिए होता है हमें। वैसे इसी ब्रश से मैं लोअर लैश पे भी लगाना चाहती हूँ, पर कई बार ना बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो ब्रश को थोड़ा छोटा कर देते हैं। और जो मेरी मेकअप ब्रशेस की किट है ना, उसमें हमारे पास सारे ब्रशेस हैं, छोटा बड़ा, जिससे आप पूरा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूर से खरीदो, बहुत ही ज़्यादा डिसेंट प्राइस पे है। अभी मुझे दिखेगा नहीं यहाँ पे कोई, क्योंकि मैंने वॉश किए हैं ब्रशेस। ये लग गया, ये पिद्दी सा ब्रश है मोर ब्रशेस में से। सो इससे मैं छोटे मोटे कलाकारी वाले काम करती हूँ जैसे यहाँ पे, ताकि प्रिसाइजली लगे, ज़्यादा फैल लेनी। सो ओके, हम बात कर रहे थे डिप्रेशन से डील कैसे करें। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा स्केरी चीज़ है दोस्तों, उससे हम लोग डील नहीं कर सकते हैं, आपको प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए। पर अगर आपको सैडनेस है, एंग्जाइटी है या ऐसे दुखी हो जाते हो, वन एंड ओनली तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन करके आप अपने आप को बहुत ज़्यादा चीज़ों से हील कर सकते हैं। डिप्रेशन एंग्जाइटी वन ऑफ दोज हैं पहले पहलू, पर मेडिटेशन में आपका दिल लगना, धीरे धीरे आपका उसके अंदर जाना, थोड़ा टाइम लगेगा बट यू विल बी देयर। सो ये पैलेट लेने वाली हूँ, इसमें से सबसे जो डार्क ब्राउन है उससे उन दोनों को मिक्स करके मैं लाइनर क्रिएट करूँगी। हल्के हाथों से लूँगी क्योंकि ये मॉर्फी की पैलेट है एंड इसमें बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है। हम क्रिएट करेंगे काजल जैसी लोग। ओके, सो जो मेडिटेशन है वो बहुत सारी चीज़ों का इलाज है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारा इस अर्थ पे पैदा होने का रीज़न ये जन्म एंड मरण के चक्कर से फ्री होना होता है, पर हम सब पुल चुके हैं, हम सब फालतू चीज़ों में व्यस्त हैं एंड हमें कोई परवाह नहीं है। हमें पता भी है कि एक दिन हम लोग इसे छोड़ के जाने वाले हैं, पर फिर भी हम सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, बस पैसा इकट्ठा करने में, शोहरत में, दुनिया में, उसमें इतना बिजी हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि असली मकसद की है। सो जो मेडिटेशन है वो आपको उस मकसद को भी जगाती है, एंड लेटर अगर आपको
भगवान ने हेल्प किया, तो आप इतना ज़्यादा अच्छा करोगे स्पिरिचुअलिटी में कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ शब्दों में। सो दूसरी चीज़ है, मेडिटेशन आपको अच्छी तरह जीवन जीने में हेल्प करती है, आपको मोर प्रोडक्टिव होने में, अच्छा इंसान बनने में, ज़िंदगी को फुल फ्लेज जीने में, एंड ऑल्सो एंगजाइटी, डिप्रेशन एंड बहुत सारी बीमारियों को डील करने में भी मदद करती है। एंड ऑन द अदर हैंड, जो हमारा सबसे बड़ा मकसद है इस धरती पे आने का, उसमें भी हेल्प करती है। सो और क्या चाहिए आपको, राइट? ज़रूर से मेडिटेट करें। एक और चीज़ मैंने पता नहीं बोली है या नहीं, पर जो भी बंदा किसी भी रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ है, जो रिलीजन का मेन मोटिव है, वो आपको रियलाइज़ कराना है कि यहाँ पे आपकी लाइफ टेम्परेरी है एंड आपको किसी और काम के लिए भेजा गया है, परम पिता परमेश्वर के साथ मिलने के लिए। बेशक वो जीसस बताएं, अल्लाह बताएं, गुरुद्वारे में बताया जाए, मंदिरों में बताया जाए, मेन मोटिव ये है। और जब आपके अंदर ये मेरा रिलीजन वाली ईगो ख़त्म हो जाती है ना, क्लिक ऑन होता है असली पॉइंट, तब आपको पता चलेगा कि ओ नाओ मुझे पता चल गया है क्या। जब सारे रिलीजन के लिए आपके अंदर इज्जत आ जाती है और आपको रियलाइज हो जाता है कि सारे आपको एक ही साइड पे भेज रहे हैं। अगर मैं कुछ वीडियो अपलोड करूं और नीचे से कमेंट आ जाते हैं कि तुम ना ये वाला पार्ट पढ़ो तो अच्छा हो जाएगा, कोई कहता है कि तुम कुरान के ये वाले पढ़ो तब अच्छा हो जाएगा, कोई बोलता है तुम बाइबल पढ़ो तब अच्छा हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को कुछ भी। जो कोई तुम कहो कि तुम जो भी पढ़ो बस अच्छा करो जो भी कर रहे हो, लाइक अगर तुम कुरान पढ़ रहे हो तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आपके दिल में भाव किसके लिए आ रहे हैं? मे बी आप गुरुद्वारे में जाते हैं, पर आप भाव आपके किसी मंदिर वाले देवता के लिए आ रहे हैं तो उन्हीं के साथ आपकी अटैचमेंट है। पर अगर आप जाते मंदिर में पर आपका दिल गुरुद्वारे के लिए है तो आप के लिए हैं। भाव पे डिपेंड करता है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप ही के ग्रंथ बहुत ज़्यादा महान है बाकी सारे नहीं हैं, सारे ही बहुत महान हैं। जब आप में ये ईगो क्लैश होती है ना और आपको रियलाइज होता है कि सारी सेम आ, बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है, वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, वो आपको मिल जाएगी वंस आप इस रास्ते में आ जाएंगे। सो मेबेलिन का या लॉरियल का इनफेलेबल ब्रो जेल यूज करूंगी। अदा अब पेपर सा उतर गया है, अदा लाला कोई बेचारा है, देसी मटेरियल है पर नहीं। ओके, एंगल ब्रश पे इसे लेंगे एंड प्यार से हम हमारे आईब्रोज को फिल कर लेंगे। मुझे लगता है कि मेकअप के साथ कई लोग ना बहुत प्यारी प्यारी बातें कर लेते हैं, मैं भी करूँगी, पर मेरे लिए ना थोड़ा औखा आया। या तो मेकअप कर लो या खड़े की गल्ला कर लो। सो या मेडिटेशन शुरू करें। अगर आप किसी डाइटी में बिलीव करते हैं, किसी भी रिलीजन में, तो बहुत अच्छा है, आपको हेल्प होगी। पर अगर नहीं करते हैं तो थोड़ा समय लगेगा, इसको समय लगता है, बट लेटर आपकी जो मेडिटेशन है वो जीत जाएगी एंड आपकी एंगजाइटी, डिप्रेशन एंड और बहुत सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। पर प्लीज़ पेशेंस रखें एंड कंसिस्टेंसी रखें। बेशक 5 मिनट करें पर करें, पर ध्यान आपको अपनी उम्र के हिसाब से करना चाहिए। अगर आप 25 हैं तो 25 मिनट ज़रूर से करें, दिन में पूरा 25 कर सकते हैं कि 5-5 मिनट बैठ जाएं, 10-10 मिनट बैठ जाएं, 3 बार बैठ जाएं। पर लेटर जब आपका ध्यान अच्छा लगेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बैठेंगे और उठेंगे तो 2 घंटे हो भी चुके होंगे, सो एक दिन वो भी आ जाएगा। हाउ टू ओवरकम पास्ट ट्रॉमास, आई मूव्ड ऑन बट स्टिल पास्ट ट्रॉमा हिट्स बैडली। ओके, किसी का ये क्वेश्चन है। सो पास्ट ट्रॉमे को हील करने के लिए अगेन मेडिटेशन हेल्प करेगा आपको। आपको वो हिट कर रहा है, इसका मतलब आपने ओवरकम किया नहीं है, आप स्टिल अटैच हो उसके साथ। सो डिटैचमेंट जैसी फीलिंग चाहिए, वो भी ऐसे बोलने से नहीं आती। ओके, यही प्रोडक्ट्स मैंने ना थोड़ा इनर कॉर्नर में लगा लिया और थोड़ा सा ऐसे विंग क्रिएट कर लेती हूँ, जैसे बहुत ज़्यादा समय लगाया मैंने मेकअप पे, पर लगाती नहीं हूँ, ठीक है। सो जो पास्ट ट्रॉमा है ना, उसको हील करने के लिए काफ़ी लंबा समय जाता है। ऐसे बोल के करेंगे कि ओ मुझे हील करना तो नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो एक संकल्प लें कि जो भी मेरे साथ पास्ट में हुआ है, इस जन्म में या पिछले जन्मों में, मैं उसको फॉरगिव करती हूँ, जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, एंड उनकी सोल से फॉरगिवनेस मांगती हूँ एंड मेरी आत्मा उनकी आत्मा को भी फॉरगिव करती है। क्योंकि ये जो हमारी आत्मा है ना, बहुत लंबा लेके जाती है ये जो ट्रॉमा है, कई कई जन्मों तक अपने तक रखती है एंड लेटर लेटर वो और बढ़ता जाता है। सिमोर का ये प्यारा सा ब्रश लेंगे, ब्राउनजर लेंगे एंड मेरे चेहरे को थोड़ा कॉन्ट्रोल कर लेते हैं, तो चिट्टा चिट्टा हो गया है। आपको ऐसे संकल्प लेके ध्यान करना पड़ेगा। ये भी काफ़ी लंबा प्रोसेस है, बहुत सारे लोग हार जाते हैं, पर आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। वंस आपने ओवरकम कर लिया और ये मैथड आप पे काम कर गया, देन यू आर गुड। फिर आप कभी भी किसी भी
इंसिडेंट, ट्रॉमा, लोगों के साथ, चीज़ों के साथ कभी अटैच नहीं होंगे, एंड होंगे भी तो अपने आप को बहुत जल्दी हील कर लेंगे. सो ये है स्टोरी अपने आप को हील करने की. आसान नहीं होगा दोस्तों. मैं बार बार ये पता क्यों बोलती हूँ, क्योंकि हम लोग ना कुछ भी करना शुरू कर देते हैं कि ओ मैं मेडिटेट करूँगा मेरा डिप्रेशन उड़ जाएगा, मैं मेडिटेट करूँगा मेरी डिजीज उड़ जाएगी, या मुझे भगवान मिल जाएंगे, और थोड़ी देर में नहीं मिलते और आप हिम्मत हार जाते हैं. ये काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, इसमें सालों जा सकते हैं. पर अगर आपके पास्ट कर्मा पे भी डिपेंड करता है, हो सकता है कि आप आज बैठे एंड हफ्ते में आपको ऐसे रिजल्ट मिल जाए क्योंकि आप बहुत सारे जन्मों से ये करते आए थे एंड अब थोड़ा सा बाकी था. सो या इसलिए मैं बोलती हूँ कि हिम्मत मत हारना, कंसिस्टेंटली लगे रहना. सिफोरा का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ मैं, शेड है नेचुरल सैंड, ये पाउडर फाउंडेशन है, इसकी जो फिनिश है मैट है, इससे मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा कवरेज मिल जाए. आपने देखा कि मैंने मेरे फाउंडेशन को पूरा अच्छी तरह सेट होने दिया, ब्लश कर लिया, पूरा आई मेकअप कर लिया, ब्राउन्स कर लिया, आईब्रोज कर लिया, देन मैंने इसको किया है सेट. अगला काम आता है लिपस्टिक एंड मस्कारा. मस्कारा के लिए मैं यूज़ करूँगी ये लैनकॉम का बहुत ही प्यारा सा मस्कारा, मुझे आजकल अच्छा लग रहा है. इससे मैं अच्छी तरह मेरी लैशेस को कोट करूँगी, नहीं करूँगी, एक एक की करूँगी, क्योंकि मुझे आज लैशेस पहननी है एंड ज़्यादा नहीं पहनेंगे, एक एक कोट करेंगे ताकि लैशेस को पहनना आसान हो जाए. सो गाइस, एक और चीज़ है, अगर आपको पता है कि आप पे कोई ट्रॉमा है या आप इन चीज़ों को सोचते रहते हैं, उसको हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपकी आने वाली जनरेशन के लिए. ये जो चेन चलती आ रही है ट्रॉमास की, अगर आप डिसाइड करें तो उसको ब्रेक कर सकते हैं एंड अपनी आगे जीन्स को वो पास नहीं करेंगे. सो ध्यान सबसे बेस्ट रेमेडी है इसके लिए. दो क्वेश्चन आंसर कीता है, बेस्ट आईलाइनर. ओके, किसी ने बेस्ट आईलाइनर के बारे में पूछा है. सो मुझे रिमल लंडन के आईलाइनर्स बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उनकी जो पिगमेंटेशन है वो बहुत नाइस, इंटेंस है एंड स्मच प्रूफ है एंड अफोर्डेबल. एंड इवन कलर स्टे रावलॉन के लाइनर्स भी अच्छे हैं. एंड हाई एंड में मुझे मेकअप फॉरएवर का बहुत अच्छा लगता है लाइनर, वो फेल टिप वाला. एंड ऑल्सो कैट वॉन डी के जो फेल टिप लाइनर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं. किसी ने पूछा है कि प्लीज़ बताएं अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस के बारे में एंड आपने अपने आप को कैसे हील किया. मैंने, मुझे लग रहा है कुछ दिन पहले, कल परसों एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने बताया है कि मैंने कैसे हील किया. वो ज़रूर से देखें, बहुत प्यारी सी वीडियो है, उससे बहुत हेल्प होने वाली है. एंड मेरी मेडिटेशन प्रैक्टिस एक्चुअली मैंने मंदिर जाप से शुरू की थी. मंदिर जाप का ऐसे मैंने संकल्प लिया कि मुझे 40 days मंदिर जाप करना है, लाइक 5-7 महीने पहले. एंड वो संकल्प के दौरान कुछ चेंजेस मुझे फील हुए एंड देन फिर फ्लो के साथ मैं बहती गई एंड फिर मेरी मेडिटेशन अच्छी अच्छी चलती गई. एंड नाउ मैं मंत्र जाप करती हूँ एंड मैं ध्यान करती हूँ. एंड अब कई बार ऐसा होता है कि मैं ध्यान के लिए बैठूंगी एंड अगली बार मेरी आंखें 1 घंटे बाद ही खुलती हैं. सो या इस तरह मेरी मेडिटेशन की प्रैक्टिस चल रही है. मेरी कोशिश होती है कि दिन में 3-4 बार मैं मेडिटेट कर लूँ, पर कई बार नहीं भी हो पाता है, सिर्फ 1 ही बार कर पाती हूँ. सो या अच्छी चल रही है मेरी मेडिटेशन और मुझे बहुत सारी चीज़ें मैं करना चाहती हूँ इसमें. आई होप कि कामयाब हूँ. लिपस्टिक लगाने वाली हूँ मैं. मैं लगाऊंगी मेबलिन की सुपर इंक मैट लिपस्टिक. ये है नंबर 70 एंड शेड का नाम है अमेजोनियन. ये मैं इसलिए लगाने वाली हूँ क्योंकि ये इंडिया में बहुत ईजीली अवेलेबल है एंड दुनिया में हर जगह, अगर आप खरीदना चाहें तो खरीदें. बहुत ही प्यारा फॉल एंड विंटर के लिए ब्राउन शेड है. बहुत से कम शेड होते हैं जो मुझे मेरे चेहरे पर अच्छे लगते हैं क्योंकि मेरे लिप्स बहुत ही पिद्दी से हैं. बहुत कम चीज़ें मुझे मेरे लिप्स पर अच्छी लगती हैं. बट ये प्यारा नूड है, ठीक ही लगता है, अच्छी तरह लगा लेंगे. और इसकी ना लास्टिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है, रगड़ रगड़ के उतारना पड़ता है इसको. वैसे थोड़ा फुलर लुक के लिए अच्छा है कि मैं लिप लाइनर लगाऊं. जो लिप लाइनर मैं लगाना चाहती थी वो नीचे मेरी बैग में है, सो नहीं लगाया मैंने. अब मुझे ना इसको थोड़ा सा लाइक कलर को उतारना होता है क्योंकि मुझे ऐसे इंटेंस कलर ऐसा लगता है कि मेरे चेहरे पर अच्छे नहीं लग रहे. थोड़ा सा उतार देती हूँ, दंदा दे दला दंदा. सो यस, ये हो गया. अब जल्दी से सिमोर की प्यारी सी लैशेस लगाते हैं एंड देन वी आर डन टू लीव. एंड आज मेरी कोशिश होने वाली है कि मैं ना वो करूँ, व्लॉग भी शूट करूँ. सो मैंने 3-4 क्वेश्चन के आंसर किए हैं, अगले हम ना व्लॉग में कर देंगे. बहुत सारे दोस्तों ने ना मेरे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बारे में पूछा है या मेरी मेडिटेशन कैसे चल रही है इसके बारे में बहुत सारे दोस्त जानना चाहते हैं. तो इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा प्यारी डिटेल में वीडियोस बनाऊंगी. वन डे बनाएंगे, एक ना एक दिन तो ज़रूर बनाएंगे, पर वो दिन आज नहीं है. एंड मुझे पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर भी नहीं करनी चाहिए फॉर नाउ,
पर फ्यूचर में मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ करूँगी शेयर। ओके, बहुत सारे दोस्त ना अपनी स्पिरिचुअल जर्नी भी शुरू करना चाहते हैं, वो पूछते हैं कि हमें पता नहीं है कि क्या करें। उसके लिए ना मैं वीडियो बनाऊंगी जल्दी ही कि कैसे आप स्टार्ट करें। मैंने वैसे पास्ट में भी कितनी सारी चीज़ों को शेयर किया है कि आप जिस चीज़ में भी आपका ट्रस्ट है उसी को लेके आगे बढ़ेंगे, पर फिर से मैं एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर ताकि आप भी शुरू कर पाएँ। एंड बहुत सारे दोस्तों का ये भी कंसर्न है कि वो कैसे जाने कि उनकी स्पिरिचुअलिटी अच्छी चल रही है या नहीं, उनकी ग्रोथ हो रही है या नहीं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पर मैं यहाँ पे ये बताती हूँ कि आप ना ग्रोथ की टेंशन मत लें। जब आप स्पिरिचुअलिटी में डिज़ायर के बिना आते हैं तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। एंड डिज़ायर के बिना ऐसे सोच के नहीं कि मुझे डिज़ायर नहीं है, बस फील अच्छा आपके अंदर से भी ऐसा होना चाहिए कि आपको एक्चुअल में कोई डिज़ायर नहीं है, आपने टोटल सरेंडर कर दिया है कि जो आपको टोटल सरेंडर वाली फीलिंग चाहिए। और आपके भगवान को भी, उनको लालची बंदे नहीं अच्छे लगते हैं, अच्छे उनको सब लगते हैं, वो भगवान है उनको सारे अच्छे लगते हैं। पर जिनके अंदर कोई ऐसी डिज़ायर होती हैं कि मेरी ग्रोथ कैसे होगी, मुझे इससे मिलेगा क्या, तब फिर ना चीज़ें डिफरेंट होती हैं। आप आस मत करें, क्या करें, काम करें, फल की इच्छा मत करें। फल बहुत ब्यूटीफुल आएगा, बट वो तब आएगा जब वो आएगा, आप उसकी चिंता मत करें। बहुत लंबा समय चलता है इसमें, ऐसे इतनी छेती प्रोग्रेस नहीं होती है, बहुत सारे जन्म लग जाते हैं। पर अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं फिलहाल, तो ये तो बात पक्की है कि आप पिछले कई जन्मों से इस फील्ड में होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो सोच भी नहीं पाते हैं कि उन्हें स्पिरिचुअलिटी जैसा कुछ करना भी है, क्योंकि वो बहुत बिजी है, उनके पास समय नहीं है ऐसी फालतू चीज़ों के लिए। सो, मैंने सिमार की लैशेस स्टाइल दुबई लगाया है। ये बहुत ही प्यारी सी लैशेस है, थोड़ी नेचुरल भी है, थोड़ा सा ग्लैम भी कर देती है, ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं है। सो, मेरी लैशेस लग चुकी है। इस समय पर ना मैं एक और काम करती हूँ, मैंने पहले भी कई बार बताया होगा, आज ना मैं ये लाइनर यूज़ करने वाली हूँ एसेंस का। ये मैंने अभी लिया है, $10 में आया था मुझे लगता है। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा 24 आवर लॉन्ग लास्टिंग आई लाइनर है। अगर आप के पास एसेंस ब्रांड है तो ज़रूर से ट्राई करें। इससे मैं इनर आई कॉर्नर में एक थोड़ा सा विंग जैसा क्रिएट करती हूँ ताकि मेरी आईज़ थोड़ी सी शेप अच्छी लगे उनकी। एंड बाहर की तरफ भी एक लाइनर लगा लेती हूँ मैं, एक लाइनर नहीं, सिर्फ विंग खींच देती हूँ, ऐसा लगता है कि मैंने लाइनर लगाया, पर मैं इतना टाइम नहीं लाती हूँ मेकअप है। मैंने नोटिस किया है जो मेरी आई लुक है बिना लैशेस की, मैं 10 मिनट में कर लेती हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल एवरीडे काइंड की, जब भी मुझे तैयार लगना है। पर मेरी कोशिश होती है कि मैं हर दिन थोड़ा सा तैयार हो जाऊँ, अच्छा सा आउटफिट पहन लूँ ताकि मैं अच्छा फील करूँ, लाइक जिंदा दिल फील करूँ। वैसे तो मैं हमेशा खुशी रहती हूँ, बट इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि आपको कहीं जाना पड़े, कोई आपके घर में आ जाए तो आपको कोई चिंता ना हो तैयार होने की, एंड आप रेडी हैं दुनिया का सा लड़ाई करने के लिए। कैसा लड़ाई नहीं करने के लिए, किसके लिए रेडी हैं आप, बिना मतलब कि आप रेडी हैं। सो, इस तरह तैयार है मेरा 5-10 मिनट वाला एवरीडे मेकअप। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर देना चाहती थी, पर मेरी प्रॉब्लम है कि मैं या तो मेकअप कर सकती हूँ या फिर आंसर दे सकती हूँ, एक चीज़ होगी, दोनों नहीं होती है मुझसे। दोस्तों, इसी तरह मेरा ये मेकअप तैयार है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह ये वीडियो से हम डन हैं। मैं कोशिश की थी कि आंसर दे पाऊँ, पर नहीं दे पाई हूँ मैं। पर आज एक व्लॉग शूट करने वाली हूँ जिसमें इसके आंसर्स किए जाएंगे, एंड विद फॉर माई स्पिरिचुअल जर्नी, वो उसकी वीडियो मैं फ्यूचर में कभी बनाऊंगी, पता नहीं कब, पर या बनाऊंगी। पर आप कैसे शुरू करें उसके बारे में हम जल्दी ही करेंगे डिस्कस, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी जल्दी अपनी जर्नी शुरू करें, क्यों हमें नहीं पता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है। आज आप करेंगे तो शायद आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल जाएगी अगले महीने तक। थैंक यू सो वेरी मच दोस्तों मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल को क्लिक कर देना, ताकि फ्यूचर में जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं आपको मिलती हूँ नए वीडियो में जल्दी ही। अपना ख्याल रखें, एंड बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, आप बहुत प्यारे हैं जैसे भी हैं। आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। आसान है ना, बहुत आसान है। आई लव यू गाइस सो वेरी मच। बाय बाय, लालू।